चीजें मैंने यहाँ पे लगा रखी हैं। नाउ दिस इज माई Hi everyone, namaste and welcome to my channel Ruchi Style Corner. So I'm starting a new vlog here. So basically आज सुबह सुबह हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज बहुत बिजी डे होने वाला है. बिजी इन द सेंस मीन्स हम लोगों को दो तीन जगह जाना है, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है और बड़ी मुश्किल से मिला है, गायनेक है उनके पास भी जाना है. तो जब मैं लास्ट विजिट कराने के लिए गई थी मेरे गायनेक के पास तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरा जो AFI है वो प्लस साइड में है, बट कितना प्लस साइड में है वो उन्होंने मुझे नहीं बताया था. इंजेक्शन लिख के दिया था जिस इंजेक्शन को मुझे 24 आवर्स में दो बार लगाना है लंग मैच्योर करने के लिए बच्चे के. मैं एकदम से डिसीजन नहीं लेती. मैं और मेरी मदर इन लॉ हम लोग आ गए, मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ गई थी बिकॉज विक्की अभी मुंबई में है. वो तुरंत तो नहीं लगवाया, पहले मैंने कंसल्ट किया दो तीन लोगों से. तो सबसे पहला कंसल्ट मेरे उन्होंने मुझे सबसे पहली चीज़ ये बोला कि ये एक स्टेरॉइड है, अगर सब चीज़ सही चल रही है तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. सेकेंड मैंने खुद सोचा चलो किसी डॉक्टर गायनेक को ही बात करते हैं. तो तब तक मेरे दिमाग ये क्लिक नहीं हुआ कि तीनों के जो फादर इन लॉ है ही इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, तो आर्मी में थे. को फिर मैंने सारी रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला प्लस साइड में है, पर कितना प्लस साइड में, क्योंकि प्लस साइड में ज्यादा होना भी सही नहीं है और कम होना भी सही नहीं है. तो उन्होंने बोला ये इंजेक्शन हम तब देते हैं जब प्री मेच्योर डिलीवरी होने वाली रहती है और बच्चा आप डिलीवरी 10 से 15 दिन में प्लान कर रहे होते हो, तो इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है कि बच्चा अगर प्री मेच्योर बाहर आ जाए सो उसके लंग्स जो है वो डेवलप हो जाए. तो सबसे पहले तो एक काम करो, वहाँ जाओ फिर से अपना अल्ट्रासाउंड कराओ और देखो कि AFI लेवल कितना है एंड बच्चे की ग्रोथ कितनी हुई है, उसके बाद फिर अपन डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट डे फटाफट मैं और मेरी मदर इन लॉ वहाँ गए. वहाँ सब थैंकफुली दो दो दिन पहले से वहाँ नंबर लगते हैं, बट पता नहीं कैसे सुबह सुबह मैंने कॉल कर दिया था और मेरा नंबर लग भी गया. तो पता चल गया कि मेरा AFI लेवल इज 18, तो 18 मतलब 5 to 25 के बीच में होना चाहिए मैंने जो पढ़ रखा है. उसके बाद मैंने वो रिपोर्ट अंकल को भेजी, तीनों के फादर इन लॉ को, और उनको बताया. उन्होंने बोला ये है ज़्यादा, 14 to 15 होना चाहिए, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसको आप बहुत नॉर्मली प्रोटीन खाना, प्रोटीन इंटेक करना आप बढ़ा दीजिए. उन्होंने मुझे बोला आप दूध ले लो, ये सब ले लो, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई. कॉम्प्लेन के साथ दूध ले लो, बादाम खा लो, तो मैं खा ही रही हूँ. एंड 9th मंथ तक आते आते तो ऑटोमेटिकली लंग्स और सारा डेवलपमेंट हो ही जाता है, तो लंग मेच्योरिटी को अलग से डेवलप कराने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा उन्होंने मुझे सजेशन दे दिया. सो आई एम स्टिल वेरी कन्फ्यूज्ड फिगरिंग इट आउट, और मैं वापस से जिन डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उनसे समझूंगी, उनसे बैकअप पूछूंगी कि अगर मैं ये नहीं लगवाती हूँ तो उसका क्या है क्या नहीं है. तो उसके लिए आज हम सुबह से निकलने वाले हैं, तो मैं और मेरी मम्मी जाएंगे. अभी मैं अभी तक गाड़ी पूरा चला रही थी. 8th मंथ ऐसा हुआ है कि मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, और मैं अभी भी चला लूँ, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मम्मी दोनों पॉजिटिव हैं इस चीज़ में लेकर के कि हाँ बिंदास चलाओ कोई टेंशन नहीं है, बट विक्की वहाँ बैठा हुआ है तो उसको जो भी टेंशन है या जो भी फलाना ढिमकाना उसके दिमाग में चलता होगा, उसने मुझे स्ट्रिक्टली मना करके रखा है कि गाड़ी मत चलाओ, पैर में झटका लगेगा. जबकि मुझे ऐसा लगता है कि आराम से आप बैठ करके बहुत आराम से गाड़ी स्मूथली चला सकते हो, भोपाल की रोड्स भी बहुत अच्छी हैं, बट ही स्ट्रिक्टली सेड मी नो. तो अब मेरे को फिर ये होता है कि किसी ने मना कर दिया है तो मत करो भाई वो काम. हम लोग इसलिए इतना कंसर्न हो रहे हैं, अगर वो नॉर्मल विटामिन का या आयरन का कैल्शियम का ऐसा कुछ इंजेक्शन देती तो बात अलग थी, बट स्टेरॉइड्स का जो काम होता है वो होता है चीज़ों को जल्दी ग्रो कराने का. तो जब सब चीज़ नेचुरली सही हो रही है तो फिर मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि क्यों स्टेरॉइड दिया जा रहा है, मेरा वो कंसर्न है, इसलिए हम इतना क्रॉस चेक कर रहे हैं. अदरवाइज़ अभी तक ऐसा कुछ इशू आया नहीं है, और हालांकि मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो इतनी फालतू की चीज़ें लिखती भी नहीं है. जिन तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या लिखा है उन्होंने, बट जब घर आई और पता चला तो दैट्स वाई. अभी बस वहीं के लिए निकलने वाले हैं. अभी आई हैड अ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में मैंने खाई है आलू टिक्की चाट. एक्चुअली मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाती सुबह सुबह, मुझे सुबह सुबह उठते से इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि मैं उठती ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं भूखी उठती हूँ, मतलब भूखी शेरनी की तरह उठती हूँ मैं कि मुझे बस कुछ खाने को दे दो. तो चलिए चलते हैं, अभी मैं शार लेने के लिए जा रही हूँ और फिर उसके बाद रेडी होते हैं. सो आई एम बैक, और मैं लिटरली अभी बहुत चक्कर मार के आई हूँ. मतलब मैं, हम लोग मम्मी और मैं यही हंस रहे थे कि अभी तक पूरी प्रेगनेंसी में इतना सभी हम परेशान नहीं हुए हैं, बहुत स्मूथली सब हुआ है. बस ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि हम जैसे क्रॉस चेक करने के लिए तो हम एक और डॉक्टर के यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ कंसल्ट करने के लिए गए थे, तो उन्होंने जो रीजनिंग दी है मुझे वो बहुत सही लगी. और फाइनली विक्की का भी मैसेज आया कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं ये इंजेक्शन लगवाऊं, और मैंने, मेरा मेन ये कंसर्न था उनसे ये पूछने का कि अगर व्हाट इफ अगर मैं नहीं लगवाती हूँ तो क्या होगा. तो जो मुझे बताया गया वो मुझे ठीक लगा, लॉजिकल लगा. फिर फाइनली यही डिसाइड हुआ है कि मैं वो इंजेक्शन नहीं ले रही हूँ. एंड यस, अभी आ गए हैं घर, चेंज करती हूँ, अब मैं लंच वगैरह करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ.
ओके गाइस, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ आई थिंक थ्री डेज के बाद. एक्चुअली मैं ना कंटिन्यूस व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैं कुछ ना कुछ चीज़ों में उलझ जाती हूँ. मैं सोचती हूँ आज शाम से स्टार्ट करूँगी तो कोई गेस्ट आ जाता है मेरे घर में, जैसे पापा से मिलने भी सब आते रहते हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ों में मैं अटक जाती हूँ. आज मेरा 9th मंथ स्टार्ट हो चुका है, 8th मंथ जो है मेरा फिनिश हो चुका है. तो आई थिंक जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, मतलब आप जो इससे पहले व्लॉग्स देखोगे, वो मेरे 8th मंथ के दो व्लॉग थे. और अभी जो है मतलब 8th से स्टार्ट किया मैंने और 9th मंथ मेरा स्टार्ट हो चुका है. तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरा जो प्रेगनेंसी जर्नल है वो. पहले मैंने सोचा था अलग से एक वीडियो बनाती हूँ, पर फिर मैं सोचा अलग से वीडियो में बताऊंगी क्या, तो मैं इसी में आप लोगों के साथ में शेयर करती जाती हूँ. प्रेगनेंसी जर्नी इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग और मैं बिल्कुल ऐसे ओपन बुक की तरह अपनी प्रेगनेंसी की नुमाइश नहीं करना चाहती थी यूट्यूब पे. बिकॉज बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो मैं चाहती थी कि मेरे पास नोट डाउन रहें, बिकॉज आई एम नॉट समवन जो हर चीज़ खुली किताब की तरह यूट्यूब पे डिस्क्लोज कर दे. गाइस, सो दिस इज हाउ माय प्रेगनेंसी जर्नल लुक्स लाइक. ओरिजिनली ये कैसे दिखती थी उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर लगा दूंगी. चीज़ प्रेगनेंसी जर्नल इस तरीके से इसको थोड़ा डेकोरेट किया हुआ है, जहाँ से हमारी जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई है महाकाल के, उससे वहाँ से मैंने इसको लगाया हुआ है. जिसको इस तरीके से प्रिंट आउट निकाल के अच्छे अच्छे कोट्स लगाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है मिरेकल हैपन व्हेन यू बिलीव. तो यहाँ पर मैंने अपनी पिक्चर लगा करके रखी हुई है, अनहैप्पी वाइब्स, मतलब मैंने कुछ भी जगह ब्लैंक नहीं छोड़ी है. नाउ हेयर डियर मॉमी टू बी, और यहाँ पर मैंने अगेन अपनी एक पिक्चर लगाई है और लिखा है आई एम ग्रेटफुल. नाउ यहाँ पर बहुत अच्छे से कंटेंट्स दिया हुआ है इस पूरी जर्नल में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज इज दिस द बिग न्यूज. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको देने रहते हैं. एवरीडे अफर्मेशन दिए हुए हैं जो आप डेली देख के बोल सकते हैं. ये भी मुझे एक बहुत अच्छा इसका पार्ट लगा है, एवरीडे अफर्मेशन वाला. तो इसमें मैंने अपना वेट पूरा मेंशन किया हुआ है कि किस डेट पे मेरा कितना वेट था. नाउ दीज आर ऑल माय डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. बात करी है क्या चीज हुआ है, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अच्छी तरीके से. क्वेश्चंस टू डॉक्टर्स. नाउ यहाँ पर एक बहुत ही दो ब्यूटीफुल पिक्चर्स लगाई हैं जो मेरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्टिंग की पिक्चर्स हैं. वो है डियर पास, थैंक यू फॉर द लेसन्स, डियर फ्यूचर आई एम रेडी. नाउ ये जो जर्नल है ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द फोर्थ वीक में आपने क्या क्या किया है वो यहाँ पर आप मेंशन करते हो. उसके बाद आप यहाँ पर अपनी पिक्चर्स लगा सकते हो, वेट एंड कुछ चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो. पिक्चर्स लगाई हैं इस तरीके से. ये आ गए हम 6th वीक में. यहाँ 6th वीक में मैं जो कर रही थी उसकी पिक्चर मैंने लगाई है. इज द 8th वीक. दिस इज़ द 10th वीक पिक्चर्स जो मैंने हम लोग वैष्णो देवी में हमने वॉक किया था वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है. दिस इज द 11th वीक पिक्चर, यहाँ पर मैंने लगाई हुई है एम्ब्रेस योर सेल्फ, योर पावर इज एंडलेस, इन्जॉय द लिटिल थिंग्स. कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर थिंग, उसके बाद आता है बेबी नेम सजेशंस. तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. एंड देन फिर टीम बॉय एंड टीम गर्ल. 13th वीक माई फर्स्ट USG अर्ली स्कैन. यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर डेट लिखा हुआ है और डिटेलिंग भी दी हुई है इस तरफ में. और यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी पिक्चर लगा करके रखी हुई है. 15th वीक एंड सम मोर पिक्चर. This is my 20th week. Now this is my 21st week. What I've done in my 21st week, वो मैंने यहाँ पर सब लगा के रखा हुआ है. Now this is my 22nd week and what I've done in my 22nd week, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं. Now this is my 23rd week. Now this is my 24th week. This is my 25th week. 26th week. ये starting of my third trimester होती है. This is my pregnancy shopping list. क्या क्या मुझे चाहिए. और ये है baby shopping list. क्या क्या मुझे खरीदना है. Hospital bag checklist है ये. और ये है baby bag checklist जो अभी fill करना है मुझे. My baby shower. Actually हमारे यहाँ baby shower नहीं होता है. नहीं होता है. उसका I have note down the reason. Now this is the 27th week. Now this is my 28th week. This is my 29th week. 30th week. This is my 37th week. Again food ki picture and some funny pictures as well. Now this is my 32 week. This is my 33rd week. This is my 34th week pictures. This is my 35th week. This is my 36th week picture. Beautiful pictures. और यहाँ पे देखिए कितने cool से मैंने quotes लगा करके रखे हैं जो कि देखने में कितने मज़ेदार लग रहा है. This is my 37th week picture. कितना time का week चल रहा है. फिर देखिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट में मैंने यहाँ पर चीज़ें भी लिख करके रखी हैं कि डॉपलर टेस्ट हो रहा है, एवरीथिंग सीम्स नॉर्मल. सब चीज़ मैं पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट मेंशन करती हूँ. फिर यहाँ पर एक मैंने स्टिकर लगाया है फैमिली टाइम. फिर देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी थैंकफुल, मिरेकल हैपन, सेलिब्रेट. और पूरी यहाँ पर फैमिली पिक्चर्स रक्षाबंधन की लगा के रखी हुई है. माई 38th वीक यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रेडी टू
पॉप और जिस तरीके के मेरे मूड्स थे वो यहाँ पर मैंने स्माइलीज लगा के रखी हुई है। देन ये मेरी एक फैमिली पिक्चर है जिस बहुत ही अमेजिंग डे था, मेरे कजिन्स वगैरह आए हुए थे, साथ मेरा डॉपलर टेस्ट का कंसल्टेशन था वो मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है और 39th वीक से सब कुछ ब्लैंक है। तो अब आपको मैं क्लियरली बताती हूँ, यहाँ पर देखिए हाईलाइट ऑफ द वीक है, आपको क्या क्या फील हो रहा है मैं यहाँ पर डेट वाइज मेंशन करती हूँ, एंड हाउ आई एम फीलिंग होल वीक वो मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ, क्रेविंग्स मुझे उस हफ्ते क्या क्या हो रही है वो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, एंड सिम्टम्स क्या क्या है वो मैं यहाँ मेंशन करती हूँ, एंड हैबिट ट्रैवल। ओवरऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा प्लान है। यहाँ पर मैंने उन सभी लोगों का जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए मैंने चीज़ें लिख रखी हैं ना। उसके बाद एक और फन फैक्ट आता है, दिस और दैट, आपको क्या क्या इसमें फील हो रहा था वहाँ पर आपने टिक करना होता है। और नेक्स्ट आता है द बेस्ट एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट, मॉम एंड लेटर फॉर डैड आता है, ये हमारी फैमिली पिक्चर्स हैं जो मैंने यहाँ लगा रखी हैं, माय बेबी इज फाइनली हियर उसकी पिक्चर मैं यहाँ पर लगाऊंगी सिस्टम है, फिर ये मेरी बुआ की फैमिली है और ये मेरे कजिन्स है अगेन, तो यहाँ मैंने इस तरीके से कुछ फैमिली पिक्चर्स लगा करके रखे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा सा आइडिया मिला हो और आपको पसंद आई हो ये जर्नल, डू लेट मी नो आपको कैसा लगा ये जर्नल का आइडिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस जर्नल का आपको लिंक भी दे दूंगी, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस प्रेगनेंसी जर्नल आप चाहते हो तो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो, बिकॉज मुझे ना ये फिल करना, लिखना, स्टिकर्स चिपकाना, थोड़ा सा डेकोरेट करना, ये मुझे बहुत पसंद है, प्लानिंग अच्छे से करना, तरीके से काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं जर्नल मेंटेन करती हूँ। हाई एवरीवन, तो आपको एकदम से कट टू मेरे में थोड़े से चेंजेस आ रहे होंगे। सबसे पहला चेंज तो यह आ रहा होगा क्योंकि मैं अपने कैमरे से व्लॉग नहीं कर रही हूँ, मैं मोबाइल से व्लॉग कर रही हूँ, दैट्स वाई तो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अलग आएगी आपको, और ये सैमसंग का मोबाइल है तो इसमें थोड़ी मैं ज़्यादा अच्छी दिख रही हूँ बिना कुछ मेकअप करे भी। तो मैंने काफ़ी लंबा एक गैप लिया है, मतलब वीडियो में तो ऑब्वियस समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं एक पार्ट के बाद ये पार्ट लगा दूंगी, बट द न्यूज़ इज़ दैट आई ऑलरेडी डिलीवर्ड अ बेबी। मैं कब किया है क्या किया है वो सब मैं आपको एक अलग से इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेन करती हूँ। मेरे को मेन अभी इस वीडियो में ये बात करनी है, जैसे कि मैंने अपना जो आयुर्वेदा वाला वीडियो डाला ना, तो मुझे ये पहले से पता था कि काफ़ी सारे ऑब्जेक्शंस भी आएंगे उसमें कि आप ये क्या बातें कर रहे हो, बिकॉज जो लोग एलोपैथी को फॉलो करते हैं या जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं वो उनके लिए इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले ना मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ना फर्स्ट टाइम वो वीडियो क्लिक किया हो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनको मेरी पूरी हिस्ट्री नहीं पता होगी और फिर उस वीडियो को क्लिक किया होगा, उनको ये लग रहा है कि ये फालतू की बातें कर रही हैं, जनवरी में ओव्यूलेशन होने से पहले कैसे आपको पता चल गया, ऐसे कैसे हो सकता है, दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट साइंस। उनको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है कंप्यूटर साइंस में, साथ ही साथ मैंने मास्टर्स किया हुआ है एमटेक जिसको बोलते हैं, उसके बाद मैंने 5 साल जॉब किया है, कमिंग टू माई हस्बैंड उसने भी बीई किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर से, साथ ही साथ ही इज वर्किंग इन वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ वर्ल्ड। क्यों बता रही हूँ आपको, जिन लोगों ने हमको ये बोला है ना कि दकियानूसी बातें हैं, ये फालतू की बातें हैं, ये वहम है, ये है, ये वो है, ये कोई साइंस नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि वी आर फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड, है ना, अंटिल अनलेस कोई लॉजिक नहीं होगा या कोई चीज वो, मतलब आप समझ रहे हो, वैसे फालतू की किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, कोई रीज़न है जिसलिए हम बिलीव कर रहे हैं, और क्योंकि वो चीज़ हमारे साथ हुई है इसलिए मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ। आप लोग जो आपको लग रहा था ना जो मैंने वीडियोस डाले, मेरे को एक दो ने किसी ने मैसेज भी किया था कि फॉलिक एसिड नहीं लिया, जैसे मैंने उसमें बोला है कि मैंने कोई भी एलोपैथी दवाइयाँ नहीं खाई है, फॉलिक एसिड नहीं लिया, मैंने कैल्शियम नहीं लिया, मैंने आयरन नहीं लिया, ऐसा नहीं है कि मैंने दवाइयाँ ही नहीं खाई हैं, मैं एलोपैथी दवाइयों की जगह मैं आयुर्वेदिक दवाइयाँ खा रही थी। टाइम टू टाइम हम जब टेस्ट करवाते थे, जैसे हमने एक बार आया था मेरे दिमाग में ये चीज़ कि मैं ये सब नहीं खा रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं मेरे अंदर ये सब चीज़ें गड़बड़ आ रही हैं, मेरा प्रोटीन, मेरा कैल्शियम, मेरा हीमोग्लोबिन, आयरन, विटामिन B12, विटामिन D3, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। ऐसा ये मैं क्यों बता रही हूँ कि मैं जो लोग समझ रहे हैं कि हमने बहुत बेवकूफ़ी वाला स्टेप लिया है, तो नहीं, इट वॉज ऑल प्लान, सोचा समझा समझ करके चीज़ें करी हैं हम लोगों ने, ऐसे ही नहीं तुक्के में सब कुछ किया हुआ है। कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, मैं आपको दूसरे अवतारों में लूँगी बिकॉज माई बेबी इज क्राइंग, तो मुझे आई गॉट टू गो नाउ। गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू यस्टरडेज वीडियो, कल का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा ना वो बेसिकली मैं अपना पूरा जो बर्थ स्टोरी है, डिलीवरी है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पूजा वगैरह हुई है वो सब क्लिपिंग्स वगैरह ली है मैंने, वो शेयर करूंगी, बेबी कमिंग वीडियो वगैरह बना हुआ है वो मैं शेयर करूंगी। तो ओके गाइस, तो जो पोस्टमार्टम है उसमें मैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रही थी, मैंने प्रॉपर 30 डेज का ब्रेक लिया है, आज 38 डे है, तो मैंने कल से थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, लास्ट व्लॉग है, 3 ही व्लॉग मैंने बनाए, मैंने ज्यादा व्लॉग्स बनाए भी नहीं थे, खत्म करती हूँ। मुझे मेन यही बताना था यार आयुर्वेदिक वाला पार्ट, बाकी मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन किसी को दूंगी नहीं, बिकॉज जिसको मानना है वो मानेगा, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानेगा। आयुर्वेद से ना एक और एग्जाम्पल मैं
आपको बताती हूँ, मेरे एक भैया हैं तो उनको ना शुगर हो गई थी, स्पोर्ट्स में वो शुगर इट वॉज वेरी हाई. उन्होंने एक एलोपैथी मेडिसिन अपने मुंह में नहीं रखी है एंड विद इन 3 months में उनकी शुगर लेवल जो होता है ना वो बिल्कुल नीचे आ गया था, सिर्फ किससे, फूड हैबिट्स चेंज करने से. तो उनको भी मैं अभी मैंने सोच के रखा है, ऐसे जो लोग हैं मेरे आसपास जो आयुर्वेद को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उनको मैं लाऊंगी अपने वीडियो में बाद में कभी, क्योंकि मेरा वीडियो देखा है तो काफ़ी सारे लोगों के मेंबर्स मैसेजेस आए हैं. तो मैंने कुछ लोगों को नंबर दिया है अपने वैद्य जी का, मैं सबको नंबर नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आप समझ रहे हैं दे आर ओल्ड एज पीपल और जो मुझे लगता है जेन्युइन है और जा सकते हैं, है ना. मुझे कोई दिल्ली में है, कोई पुणे में है, कोई बैंगलोर में, वहाँ से नंबर मांग रहा है तो आई डोंट थिंक सो. वो पहली बात तो फ़ोन पे कंसल्ट करते नहीं हैं और ज़्यादा फ़ोन जाएंगे तो वो चिढ़ भी जाएंगे. बट जेन्युइनली जो मुझे पता है कि हाँ ये 100% इनके पास चला जाएगा, उनको मैं नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ. और क्योंकि बहुत सारा नंबर मैंने ऑलरेडी 10-15 लोगों को दे दिया है तो अब मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले गए हैं टू नॉट गिव नंबर टू एवरीवन, सिर्फ जो स्पेसिफिक है और बिल्कुल है कि हाँ उनको जाना ही है उनको मैंने नंबर प्रोवाइड किया है. तो यही मुझे बताना था. आज का जो वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ. अगर वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.